भारत यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक आज आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन संयुक्त रूप से करेंगे। बैठक वर्चुअल तरीके से आयोजित की जाएगी। सीबीएसई बोर्ड में 10वीं का रिजल्ट आज घोषित हो रहा है। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद इसकी घोषणा की थी। तकरीबन 18 लाख बच्चे अपने रिजल्ट के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 13 जुलाई को 12वीं का रिजल्ट आया था जिसमें 88.78% बच्चे पास हुए थे। यूपी बोर्ड आज से अगले सत्र के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाला है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों, प्रधानाचार्य, शिक्षकों और विद्यार्थियों को वेबिनार का ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों, प्रधानाचार्य, शिक्षकों और विद्यार्थियों को वेबिनार व ऑनलाइन ट्यूटोरियल के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था देने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों में स्टॉल लगाकर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। कर्नाटक में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए धारवाड़ जिले में आज से 24 जुलाई के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। राज्य में 41,000 से ज़्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं जिसमें 757 लोगों की मौत भी हो चुकी है। झारखंड में आज से लॉकडाउन लागू होने की खबरों का सरकार ने खंडन किया है। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन जहां ज़्यादा मामले निकलेंगे वहां सख्ती दिखाई जा सकती है। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। कानपुर शूटआउट कांड में मास्टरमाइंड विकास दुबे के एनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। SPIL में विकास दुबे के घर और उसकी लग्जरी गाड़ियों को तोड़े जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी याचिकाओं पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। बम्बई उच्च न्यायालय ने पिछले साल अपने फैसले में इस कानून को सही ठहराते हुए कहा था कि 16% का आरक्षण न्यायोचित नहीं है। इस कानून के तहत रोजगार के लिए 12% का शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 13% आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज तय होगा कि इस साल यह आरक्षण दिया जाए या नहीं। मौसम विभाग ने राजस्थान में फिर से मानसून के सक्रिय होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा अनुमान लगाया गया है कि प्रदेश के कई इलाकों में गरज होगी, लेकिन बारिश की संभावना कुछ ही क्षेत्रों में होगी। मुकेश अंबानी के कंट्रोल वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एनुअल जनरल मीटिंग आज आयोजित हो रही है। कोरोना वायरस के चलते इस बार मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की जाएगी। बैठक में निवेशकों की नजरें सऊदी अरामको डील पर, कंपनी की सफाई पर रहने वाली है। निजी क्षेत्र के यस बैंक ने कहा कि उसने FPO के जरिए ताजा इक्विटी शेयर जारी करके 15,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया है। पेशकश आज खुलेगी और 17 जुलाई 2020 को बंद होगी। कोरोना वायरस की वजह से लगी पाबंदियों पर ढील देते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार को फिर से बहाल कर दिया है। पाक सरकार के मुताबिक अफगान सरकार के विशेष निवेदन पर यह फैसला लिया गया है ताकि अफगानिस्तान के ट्रांसिट व्यापार को मदद मिल सके। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।